सारंगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में महामंत्री महेश देहरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जहां उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोप को झूठा बताया है। वहीं कांग्रेस महामंत्री ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी और विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। आज देश में देश लोकतांत्रिक देश है और राहुल गांधी जी के ऊपर जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब संसद में वो बोलते हैं मुद्दा को लेकर, अडानी के मुद्दा को लेकर जब बात करते हैं तो उनके माइक बंद कर दिया जाता है। ये दुर्भावना उनके ऊपर किया जा रहा है और उनके जो मकान आवास जो दिया गया था सदस्यता निरस्त होने के कुछ घंटों बाद इतनी तत्परता से वो घर खाली करवा दिया।